हम महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव महाकाव्य के पंचम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास में हमने कुमार संभव महाकाव्य का संक्षिप्त परिचय देखा और उसके बाद में प्रथम श्लोक का अध्ययन किया था। आज द्वितीय श्लोक से आरंभ करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। इयेस सकर तुम अवंध्य रूपताम समाधि मास्थाय तपोभिरात्मनः अवाप्यते वा कथम अन्यथा द्वयम् तथा विधम प्रेम प्रतिष्ठतादृशः। क्या कह रहे हैं इसके बाद में, जैसे कि पूर्व श्लोक में क्या कहा गया था कि पार्वती ने देखा कि उनके सामने ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया है, जिसके कारण पार्वती भग्न मनोरथा यानी उनकी अभिलाषा ऐसी हो गई कि वो बहुत निराश हो गई, हताश हो गई। उन्होंने देखा कि वो अपने सौंदर्य से भगवान को भस्म नहीं कर सकती, उसके लिए उन्होंने अपने रूप की निंदा की। तो यहाँ पे पहले श्लोक में हमने देखा, उसके बाद में उन्होंने, फिर हम आगे से देखते हैं क्या कह रहे हैं इस वाले श्लोक में। देखिए, ये सिसा कर तुम अबंध रूपताम समाधि मास्थाय तपो विरात्मनः। फिर निराश होकर पार्वती जी ने अपने पुनः जो सौंदर्य उसको सफल बनाने के लिए सोचा कि अब मैं तपस्या करेगी, तो यहाँ जो तपस्या करना चाहती है उसका संकेत प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उसके बिना वो ऐसा पति और प्रेम नहीं प्राप्त कर सकती। देखिए क्या कह रहे हैं। फिर क्या हुआ, सा पार्वती, सा किसके लिए आए, पार्वती के लिए। उस उन पार्वती ने समाधि मास्थाया, समाधि को ग्रहण करके, समाधि यानी चित्त की पूर्ण एकाग्रता को आलंबन करके सोचा तपोभी आत्मना। तपोभी आत्मना माने जो अब आगे कहे जाएंगे, उपवास आदि वो करेंगी, जिस प्रकार से वो तपस्या करेंगी, तो वक्षवाण जो उपवास आदि है उन नियमों से आत्मना माने अपने जो उनका अब आगे जो अपने कह रही है उनके अपने अवंध्य रूपताम कर तुम, ऐसी जो है पार्वती उन्होंने एकाग्र चित्त से समाधि को यानी एकाग्र चित्त होकर के यह चिंतन किया, विचार किया, उसका आलंबन करके तपस्या के द्वारा अपने आत्मना अपने अवंध्य रूपताम अपने जो सौंदर्य है उसको सफल बनाने के लिए, अवंध्य यानी सफल बनाने के लिए अपने रूप को कर्तुम माने करने के लिए उन्होंने येश माने इच्छा की। इसके बाद में पार्वती जी ने एकाग्रचित होकर के समाधि मास्थाय एकाग्रचित होकर के उन्होंने तपस्या के द्वारा अपने सौंदर्य को अवंध्य रूप बनाने यानी सफल बनाने के लिए, अपने सौंदर्य को सफल बनाने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि अब वो तपस्या करेंगी, ऐसी उन्होंने इच्छा की। अवाप्यते वा कथम, कथम माने कैसे, अन्यथा माने अन्यथा, यदि वो ऐसा नहीं करेंगी यानी तपस्या नहीं करेंगी अन्यथा, तो वो कह रही है यदि ऐसा नहीं करेंगी तो कथम अवाप्यते, तो कैसे प्राप्त हो सकते हैं, द्वयम माने दोनों, तो ये दोनों कैसे प्राप्त हो सकते हैं, कौन से दोनों, तथा विधम प्रेम, उस प्रकार का प्रेम पतिश्चतादृशः, और इस उन प्रकार का पति यानी भगवान शिव जैसा पति महामृत्युंजय जो अजर है, अमर है, शाश्वत है, ऐसे पति और तथाविदम उस प्रकार का शिवजी का प्रेम वो कैसे प्राप्त कर पाएंगी यदि वो ऐसा नहीं करती, यदि वो तपस्या नहीं करती हैं, तो उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। जब पार्वती जी ने देखा कि भगवान शिव को वो अपने सौंदर्य से वश में नहीं कर सकती हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब वो तपस्या करेंगी। तो इसके बाद में क्या हुआ, सा माने उन पार्वती ने समाधि मास्थाय माने चित्त को एकाग्र करके तपोभी आत्मना माने अपने आप अपने जो रूप को बक्षमान जो नियम है, आगे जो भी नियम कहे जाएंगे कैसे वो तपस्या करेगी, उनके द्वारा अपने रूप को सफल सौंदर्य वाला करने की इच्छा की। क्योंकि भगवान शिव तो तपस्या से ही बस में किए जा सकते हैं, सौंदर्य से तो नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि अब सौंदर्य से नहीं हो सकते, यानी यदि वो तपस्या नहीं करती है तो अन्यथा माने ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा ये दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं सहज तरीके से, कौन दोनों, भगवान शिव और पार्वती। वो कह रही है कि ऐसे वो कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, भगवान शिव का वैसा प्रेम और भगवान शिव जैसे पति, तो यहाँ पे यह कहा गया है। अगला देखते हैं, जैसा कि हम पूर्व में भी देख चुके हैं संपूर्ण सर्ग में वंशस्थ छंद है, तो यहाँ पर भी वंशस्थ छंद है।
यहाँ पे पार्वती ने तपस्या की इच्छा की है, वो तपस्या करना चाहती हैं। ये बात यहाँ पे हमें बताई गई है। अब आगे देखते हैं, अगला श्लोक देखिए। निशम्य चयनाम तपसे कृत्योद्यमाम सुताम गिरीश प्रतिसक्त मानसाम उवाच मैना परिरभ्य वक्षसा निवारयन्ति महतो मुनि व्रतात्। जब पार्वती जी की माता को यह पता चला कि पार्वती जी तप करना चाहते हैं, तो वो उन्हें रोकना चाहती हैं तपस्या से। तो क्या आगे क्या वर्णन कर रहे हैं कवि कालिदास? निशम्य च एनाम तपसे कृत्योद्यमाम, एनाम माने इन पार्वती जी को जब उनकी माता मैना ने यह जाना कि वो तप करना चाहती है, उस प्रकार के उनके प्रयास को जब उन्होंने समझा जाना, तो शिवजी पर आसक्त मन वाली जो पार्वती है वो तपस्या करना चाहती है। जब माँ को यह पता चला तो शिवजी पर गिरीश प्रतिसक्त मानसाम, गिरीश भगवान शिव के लिए है, तो भगवान शिव पर आसक्त चित्त वाली अपनी ऐसी सुता माने पुत्री को क्या किया उन्होंने, जब देखा तपसे माने तपस्या के लिए कृत्योद्यमाम, जो उद्यम करना चाहती है, जो तपस्या के लिए प्रयास करना चाहती है, जो तपस्या करना चाहती है, ऐसी उनको निसम्य माने सुन करके, तो भगवान शिव जी के प्रति जो आसक्त चित्त वाली है ऐसी और तपस्या को करने के लिए उद्यम वाली अपनी ऐसी एनाम सुताम इस सुता पार्वती के बारे में तप के बारे में निसम्य माने सुन करके परिरक वक्षसा वक्षा वक्षसा माने वक्ष स्थल से उन्होंने अपने से उनका आलिंगन कर लिया, उन्हें अपनी छाती से लगा लिया है, तो अपनी वक्षसा माने वक्ष स्थल से जिन्होंने पार्वती को लगा लिया है, आलिंगन कर लिया है, ऐसे करके वो उवाच माने मैना बोली, और कैसे कैसे बोली, मुनि व्रतात महतो निवारयन्ति, महतो माने जो महान मुनि, व्रतात माने मुनि का व्रत है जो मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है, जो तपस्या जो कर्म है वो मुनियों के द्वारा किया जाता है, ऐसे मुनि व्रत से अपनी पुत्री को निवारयन्ति माने रोकती हुई मैना यानी पार्वती जी की माता मैना उवाच माने बोली पार्वती जी से। तो क्या कह रहे हैं, भगवान शिव पर आसक्त चित्त वाली जो पार्वती जी हैं उनके बारे में जब यह सुना कि उनकी माता ने कि यह तपस्या करने के लिए उद्यत है, तो उन्होंने अपनी पुत्री को प्रेम से हृदय से लगा लिया और उन्हें समझाती हुई इस महान मुनिव्रत से रोकती हुई वह मैना उनसे कहती हैं। अब वो उनसे क्या कहेंगी वो हम अगले श्लोक में देखते हैं। जैसे कि अब आप देखते ही आ रहे संपूर्ण सर्ग में वंशस्थ छंद है, तो यहाँ भी वंशस्थ छंद है। तो कृतः उद्यम यहाँ कृत्योद्यम, ऐसी जो पार्वती हैं उनके प्रति उनकी माता अब क्या कह रही है यह हम अगले श्लोक में देखते हैं। निसम्य लप प्रत्यय है, अगला श्लोक देखो चौथा। मनीषिता संति गृहसु देवता तपा कौवस्य क्वच तापकम तावक बपु पदम सहित भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रिण। क्या कहती है माँ कि गृहेषु माने घर में ही वस्य, देखो बद से द्वितीय पंक्ति, हे पुत्री मनीषिता देवता जो मन की इच्छा को पूरा कर दे, जो मन की जो भी अभिलाषा उसको पूर्ण करने वाले जो देवता है, मनोभिलाषा इष्ट जो हमारे सभी देवता है वो क्या है, गृहेषु संति घर में ही है सभी मनोभिलाषा पूर्ण करने वाले देवता तो घर में ही हैं। तपा कह वस्से, हे पुत्री कहाँ तो तपस्या, कोच तावक बपुहो कहाँ तुम्हारा ये कोमल शरीर, तपस्या इतना कठोर कर्म है और तुम्हारा शरीर तावक बपुहो तुम्हारा ये जो शरीर है बहुत ही कोमल है, तुम इससे तपस्या नहीं कर पाओगी, बहुत ही कठिन होता है तपस्या का जो कार्य है। तो वो कहती है कि तो तुम जो भी कुछ काम करना चाहती हो घर में ही कर लो उसके लिए प्रयास। तपा कहा को माने कहाँ तपस्या इतना कठोर कर्म और कहाँ तुम्हारा एक कोमल शरीर, तो बहुत ही सुंदर उपमा से बहुत ही सुंदर दृष्टांत उससे समझाती हुई कहती है, दृष्टांत अलंकार है यहाँ पे। पदम सहित भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रिणः, जो शिरीष का पुष्प है वो किसका, भ्रमरस्य भ्रमर के, यदि उसके शिरीष का जो कोमल पुष्प है यदि उस पर भ्रमर बैठे तो उसके पद को तो सहन कर लेगा, लेकिन जो क्या पतत्रिणा, क्या वो किसी पक्षी के शरीर, पक्षी यदि उस पर कोई बैठ जाए क्या उसको सहन कर पाएगा,
नहीं कर पाएगा। तो जिस प्रकार से एक कोमल शरीर का पुष्प जो है भ्रमरस्य पदम से एक भ्रमर के पद को तो सहन सकता है, भ्रमर यदि उसके ऊपर बैठे तो उसको सहन कर सकता है, लेकिन ना पुनः पतत्रिण, किसी पक्षी यदि कोई उसके ऊपर बैठता है तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से तुम्हारा ये जो कोमल शरीर है वो तपस्या के जो कठोर नियम है, व्रत है, जो तपस्या के समय जो कष्ट होता है, क्लेश होता है, उसको सहन नहीं कर पाएगा। तुम अत्यंत कोमल हो, कोमलांगी हो, तो तुम ये तपस्या आदि कार्य नहीं कर पाओगी। तो ऐसा उन्हें समझाती हुई वो रोकना चाहती हैं। ये यहाँ पे भाग है, ठीक है, यहाँ पे भी वंशज चंद है। अगला देखते हैं, एक और देखते हैं। इति ध्रुवेच्छा मनुशासति सुताम ससाक मेना नियंतु मुद्यमात् का ईप्सितार्थ स्थिर निश्चय मनः पयस्य निम्नाभिमुखं प्रतिपयेत्। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कालिदास कि पार्वती की माता ने उन्हें समझाया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, कठोर बहुत होता है तप, लेकिन जो पार्वती जो दृढ़ निश्चय कर चुकी है भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, यह निश्चय कर लिया कि अब उसके लिए तपस्या ही करेंगी, वो उनको रोक नहीं पाई। तो जो अभिलाष जो व्यक्ति जिस जो उनको अभीष्ट है, जो जिसने कुछ अपने जो अभीष्ट है उसको प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है, क्या उसको और नीचे की ओर बहने वाले जल को क्या कोई रोक सकता है? तो बोले यह नहीं रोक सकता। उसी प्रकार से वो पार्वती को रोकने में समर्थ नहीं हो पाई, ये कह रहे हैं। तो क्या क्या है यहाँ पे देखो, इति माने इस प्रकार से वो पार्वती जी को उपदेश दे रही है तो अभी वो क्या कर पा रही है, वो नहीं रोक पाई। ध्रुवेच्छा, ध्रुव अटल जिनकी इच्छा है, जो जिनको बदला नहीं जा सकता, जिन्होंने निश्चय कर लिया कि वो तपस्या करेंगी ही, ऐसी पार्वती को क्या हुआ है, अनुशासति माने समझाती हुई भी, सुताम माने पुत्री को, शशाक मैना ना नियंतुम रोकने में, उद्यमात माने जो उद्यम करना चाह रहे, जो परिश्रम करना चाह रहे, जो तपस्या करना चाह रहे, उसे रोकने में वो शशाक माने समर्थ नहीं हुई है, ठीक है। तो इति माने इस प्रकार से जो पार्वती की माता है मैना, वो अनुशासति मैना ध्रुवेच्छाम सुताम, श्रुता कैसी है, उनकी पुत्री कैसी है, ध्रुवेच्छाम, जो जिन्होंने इच्छा, जिनकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, जिन्होंने ये निश्चय कर ही लिया है कि वो अब भगवान शिव को पति रूप में वरण करने के लिए तपस्या करेंगी ही, तो इस प्रकार की पार्वती को नहीं रोक पा रही है। तो इति माने इस प्रकार से अनुशासति माने उचित शिक्षा देती हुई भी मैना माने मैना की वो पार्वती जी की माता जो मेनका है, वो ध्रुवेच्छाम जो ध्रुव इच्छा वाली है, जो अटल इच्छा वाली है, निश्चय वाली है अपनी पुत्री को, उद्यमात माने उस उद्यम से, उस तपस्या से, तप करने के उद्योग से ना सशाक माने रोक नहीं पाई, नियंतुम माने रोकने में ना सशाक माने समर्थ नहीं हो पाई। क्यों समर्थ नहीं हो पाई, इसको देखो बहुत ही सुंदर उक्ति से अर्थांतरण्य से अलंकार में दिखाई दे रहा है, जैसे कि बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को कौन रोक सकता है। तो वही यहाँ पे उन्होंने कालिदास ने प्रयुक्त किया है, अर्थांतरण्य अलंकार है। का ईप्सितार्थ स्थिर निश्चय मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतिपयेत्। तो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ईप्सितार्थ स्थिर निश्चय, इष्ट वस्तु की अभिलाषा के लिए जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया है, ऐसे स्थिर निश्चय वाला जो मन है उसको यानी चित्त को, और निम्नाभिमुखम नीचे की ओर बहने वाले पयस्य माने जल को, कहा माने कौन प्रतिपियत माने पीछे लौटा सकता है, क्या ऐसा कौन है जो उसे पीछे लौटा सकता है, ठीक है। यहाँ पे भाव है, तो जैसे उस मन को जिसने की अपनी मनोवांछा को पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है और वह जल जो नीचे की ओर बह रहा है उसे कोई पीछे नहीं लौटा सकता, ठीक उसी प्रकार जिस पार्वती ने तपस्या करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, उनको उनकी माता मैना समझा नहीं पाई कि तुम नीचे तुम पुनः लौट जाओ, मतलब कि तुम तपस्या मत करो। पार्वती जी का दृढ़ निश्चय था वो बहुत ही दृढ़ था, इस कारण से वह उन्हें रोकने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हो पाई है, यह भाव यहाँ पर है। तो अब इसका मतलब पार्वती जी तपस्या करने जाएंगी ही भगवान शिव के लिए, यह भाव है यहाँ पर अनुशासिति यहाँ पे। और जैसे हम देखेंगे शशाक अनुशासित नियंतुम तुमन प्रत्यय, हम सरल सरल देखते हैं यदि आप लोगों के लिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर पार्वती जी जो दृढ़ निश्चय कर चुकी हैं उनको उनकी माता रोकने में समर्थ नहीं हो पाई है,
यहाँ पर जैसे कि नीचे जो विशेष बात और सामान्य समर्थित होने से अर्थोन्तरन्यास अलंकार है यहाँ पर और वंशस्थ छंद है। आज हम इतना ही देखेंगे, अगली क्लास में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे।